जवानी सेवक सुखदायक अब कहो सुरति करत रघुनायक आरी नाथ हो निपट विचारी एक परम बिरहा कुल सीता बोली प्रेम राम के दूना जय 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 हनुमान हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए यहाँ श्रमिक मजदूरों को लेकर हम लोग विगत एक वर्षों से इस हड़ताल में बैठे हैं। एक वर्ष पहले भी इनके द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था कि लंबित मजदूर भुगतान कर दिया जाएगा, किंतु आज एक वर्ष होने जा रहा है, अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। और उदासीनता ड्यूफों का जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, जानबूझकर रायपुर या कहीं अन्यत्र जाकर अपना बेवकूफ बनाने के कार्यक्रम डीओफ और एसडीओ द्वारा किया जाता है, जिससे मजदूर बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। किसी भी वक्त इस कार्यालय का साथ कोई भी अभद्र व्यवहार भी हो सकता है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी हर्ष की होगी। लगभग सैकड़ों 5,000 के भी होंगे, 5,000 भी होंगे। और कटघोरा फॉरेस्ट वन विभाग मैं बरसों से सुन रहा था हूँ, कटघोरा वन विभाग पूरी तरह से वेश्यालय का रूप धारण कर चुकी है, इससे ज़्यादा गंदा शब्द नहीं बोल सकता, और लोग प्रताड़ित हैं। तो मेरी एक ही मांग है अपने सद्गुरुदेव भगवान और हनुमान जी के से कि इनको सद्बुद्धि दें, ये जिस मार्ग से भटक गए हैं ये सही मार्ग पर आए, और जिस कर्तव्य के लिए भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग वन मंडल कार्यालय की स्थापना की है, उस मार्ग पर चल करके और ये लोग अपना कर्तव्य पूरा करें, जिससे वनवासी क्षेत्र मानव जीवन सुखी हो सके। मेरी मांग ये है सबसे पहले तो इनकी भाषा सुधरेगा, इनको बात करने की तमीज होगी, इंसान को इंसान समझना शुरू करेंगे तो फिर हम इनसे कोई बात करेंगे, लोगों की समस्याएं बताएंगे। वो डीएफओ कल का लड़का दुनिया भर अंग्रेजी बोल करके और नए नए कानून बताता है। एक उदाहरण बता रहा हूँ आप लोगों को, बस स्टैंड में एक बहुत पुराना, वर्षों पुराना कदम का वृक्ष था, सूख गया था। मैंने डीएफओ से आग्रह किया कि साहब वो कदम का वृक्ष कटवा दीजिए, रोड डगाल कर टूट टूट करके गिरते हैं, कल कोई जनधन की हानि ना हो जाए। तो डीएफओ बोलता आप आवेदन दे दीजिए, मैं कटवा दूंगा। अरे उस मूर्ख डीएफओ को इतना मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार के वन अधिनियम के अंतर्गत कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा वृक्ष हो, उसका सबका मालिक वन विभाग है। मैं क्यों आवेदन दूं? जब कोई मर जाएगा तब उसके बाद में कटवाएगा क्या? उसको अपना रेंजर भेजना चाहिए, परीक्षण कराना चाहिए, और उसके बाद यदि मेरे शब्द सही थे तो उसको परीक्षण करा करके कटिंग कराना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह सूख चुका था। अरे जिस कर्तव्य के लिए तुम शासन का लाखों रुपए तनख्वाह खा रहे हो, जिस कर्तव्य के लिए जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, तुम्हारे कर्तव्य के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, नगर की जनता प्रताड़ित है इस कटघोरा वन मंडल से।